बॉलीवुड के बेमिसाल फिल्म निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली का आज जन्मदिन है। उनकी लिस्ट में हम दिल दे चुके सनम, देवदास, रामलीला व पद्मावत जैसी सफल व भव्य फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने उन्हें निर्देशकों की भीड़ में अलग खड़ा कर दिया। संजय लीला भंसाली अपने फिल्म के विषय को लेकर अक्सर विवाद में आते रहे हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा कोई विवाद कभी मीडिया की सुर्खियां नहीं बनता रहा है। 54 साल के हो चुके संजय लीला भंसाली ने अब तक शादी नहीं की है और कभी शादी करने के संबंध में कोई रुचि भी नहीं जताई है। हाँ, यह जरूर है कि वे अपने निजी जीवन में महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। लोग अपने नाम के साथ पिता का नाम लगाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ माँ लीला का नाम लगा कर रखा है। वे अपनी इकलौती बहन बेला को भी बहुत प्यार करते हैं। संजय लीला भंसाली ने 2013 में अपने रिश्तों पर एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हो सकता है कि मेरी जिंदगी अधूरी हो, लेकिन मैं नाखुश नहीं हूँ। उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने रिश्तों के लिए प्रयास नहीं किया। भंसाली ने तब कहा था कि मेरे जीवन में प्यार नहीं है, इसलिए मैं लव स्टोरी बनाने के लिए पैशनेट हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं एक खानाबदोश अकेला इंसान हूँ। संजय के अनुसार, मुझ में वे क्षमता नहीं है कि मैं रिश्तों का बोझ लेकर घूम सकूं। उन्होंने कहा था कि एक बच्चे के रूप में मैंने निसहाय रिश्तों का अपने आसपास घूमते देखा। उनके शब्दों में ही वर्तमान में कोई व्यक्तित्व अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर बना होता है। 47 साल की वैभवी मर्चेंट बॉलीवुड की सबसे सफल कोरियोग्राफर में एक मानी जाती है। पिछले साल उन्होंने अपनी छोटी बहन श्रुति मर्चेंट की शादी कराई थी, लेकिन खुद वैभवी मर्चेंट ने अब तक शादी नहीं की है। संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल की तरह संजय व वैभवी के रिश्ते खामोश हैं, लेकिन उसमें संगीत हो है ही।